अच्छा कर दिया, और जहां आप जाते हैं गोल्ड हमें मिलता। थैंक यू। गोल्ड तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? यार खुशकिस्मत हूँ, आभारी हूँ सबका कि मुझे ऐसे रोल मिल रहे हैं और पिक्चरें चल रही हैं, और गोल्ड के लिए बहुत आभारी हूँ सभी का, सारे ऑडियंस को, यू नो ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है पिक्चर को, और मैं अपनी अपने प्रोड्यूसर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रितेश और फरहान को, अपनी डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रीमा को, जो उसने मुझे इतना बड़ा रोल, सबसे बड़ा रोल मेरे करियर का दिया। सो देर आए दुरुस्त आए। जैसे आप सबको करती है, मैं भी इंसान हूँ, यू नो मुझे भी इंडिया की हिस्ट्री टच करती है, और ख़ास तौर पर मुझे ये खेल सीखने को मिला, इस लेवल की हॉकी खेलने को मिली, तो मुझे यू नो एज अ एथलीट, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू नो एक नया स्किल सीखा, एक नई यू नो एक नया स्पोर्ट सीखा, तो बहुत अच्छा लगा। मैं हॉकी नहीं खेली, मैं फुटबॉल बहुत खेलता था, सो ये पहली बार मुझे सीखनी पड़ी एकदम ग्रास रूट लेवल से। एकदम सनी भी हैं जी, जी बहुत मेहनत, बहुत मेहनत की है। सनी मैं तो हम लोग बस दिन रात हॉकी खेल रहे थे, क्योंकि हमें बहुत हॉकी खेलनी पड़ी फिल्म में, जैसे आपने देखा है। सो वी जस्ट ट्रेनिंग है, ऐसा कुछ मज़ा नहीं है, इट इज़ अ टफ फिल्म। हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है, वो वक्त अच्छा लग रहा है, लोग बहुत पेट्रियाटिक फील कर रहे हैं, जो उस वक्त में जो इंडिया में जो जो हालात थे, जो यूनिटी थी, एक स्पोर्ट ने कैसे पूरे देश को जोड़ दिया था, ये सब जो भावनाएं लोगों को टच कर रही हैं, लोग इमोशनल हो रहे हैं, और एक उनको एक अच्छी फिल्म देखने को मिल रही है। सो अच्छा लगता है कि जिस उद्देश्य से आपने एक पिक्चर बनाई थी, वो लोगों को समझ में आ रही है, और वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो अच्छा है। ऑफकोर्स ये लोग बड़े हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं, इनसे इनके आसपास रह के बहुत अच्छा प्रभावित प्रभाव होता है, और मैं भी बहुत प्रभावित हूँ अक्षय सर से, उनमें बहुत क्वालिटीज़ हैं, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। देखिए मैं इस इंटरव्यू में भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि अपने इंटरव्यू में और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सब बड़ी बड़ी बातें कर देते, बट आई जस्ट होप कि हम इंडिया में एथलीट की रिस्पेक्ट करें, वो क्या स्पोर्ट खेलता है उससे आपको लेना देना नहीं है, हम हर स्पोर्ट की रिस्पेक्ट करें, जब वो हम करेंगे तो फिर ओलंपिक के गोल्ड भी आ जाएंगे। ये देश बहुत अच्छा है, ये इंडिया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज है, हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि हम 1.5 बिलियन लोग हैं, जिसमें इतने शहर हैं, प्रांत हैं, अलग अलग मज़हब हैं, उसकी वजह से यू नो और हम लोग तभी भी इतना मिलके, इतने स्नेह से, इतने प्यार से हम लोग रहते हैं, और 1-2% जो ऊंच नीच होती है वो हर जगह होती है, ये तो क्या इंसान की फितरत है कि जब थोड़ा ऊपर नीचे कुछ होता है तो हम उसको उछालते हैं। बहरहाल इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को और कंपैशन आना चाहिए, एक दूसरे के लिए और टॉलरेट करना चाहिए, एक दूसरे की और इज्जत करनी चाहिए, एंड बट मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि हम बेहतर होंगे और बेहतर होंगे, एंड इंडिया का जो नाम है दुनिया में और रोशन होगा। मैं हिस्ट्री क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है, मैं एक बेसिक आदमी इंसान हूँ जो एक एक्टर हूँ, लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मुझे काम मिलता है, इसी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, और यू नो चाहता हूँ कि अच्छा काम करूँ। किस तरह की फिल्म? ऐसा कुछ नहीं है, जो समझ में आएगा करेंगे, ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है, तो आई जस्ट होप कि गोल्ड के बाद और अच्छा काम मिले। तो आप स्पेशल 30 भी कर रहे हैं? गलत न्यूज़ है। अभी कुछ नहीं मेरे पास, ये सिर्फ गोल्ड है। सुल्तान भी चाइना में रिलीज होने वाला है 31 अगस्त। बहुत अच्छी बात है, अच्छा एक्साइटेड हूँ कि हो सकता है वहाँ भी थोड़ा काम मिल जाए फिर, यू नो क्योंकि वहाँ लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है चाइनीज इंडस्ट्री में भी काम मिल जाए इसके बाद, सुल्तान देखने के बाद।
मैं बस यही कहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग गोल्ड, एंड आप जिन्होंने नहीं देखी है आप लोग भी जाके प्लीज़ देखिए, एंड इट्स अ गुड फिल्म एंड एंजॉय. ऐसे और बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स.